এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়াঙ্গন যৌবন যত আজি জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময় অসুস্থ এনা হক এপরিয়া গুড়ি যত জীবনের গতি হয় কর্মময়, কর্মময়, কর্মময়। এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন, ক্রীড়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। लेकिन फिर से एम्पियर ने व्हाइट करा दिया, अधिक रन बढ़ता हुआ कुल मिलाकर दो पर पहुंचा स्कोर। नाहर 11 स्टार क्रिकेट क्लब का दोनों ही अधिक रन। हमसे दूर वाले शॉट से वीडियो बढ़ेंगे, चिकनबाजी करेंगे, सामना करेंगे भाई हाथी बल्लेबाज जुलू, जो कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है। जुलू को दौड़ना शुरू किया, अगले गेंद लेग स्टंप की काफी बार, तीन लगातार राइट गेंद फेंक चुके, दिशा से भटके इस समय गेंदबाज भी तो खराब गेंदबाजी में। बाहर गेंद को हल्की हाथों से पुश कर दिया है, जब तक अभी फोटो में जाकर गेंद को रोका तब तक विनय के नुकसान पे इस पर सामना करेगा रचाक, जो कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, धुआंधार बल्लेबाज माना जाता है रचाक को। लेग स्टंप की काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगी और एम्पायर ने वाइड करा दिया। देखकर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 6 पर, काफी खराब लाइन और लेंथ से अभी तक कोहमान की जो गेंदबाज है वो गेंदबाजी कर रही है। मेरे ख्याल से वो गति को बढ़ाना चाह रही है, मेरे ख्याल से पहले लाइन और लेंथ पर काबू रखना चाहिए, उसके बाद जो गति है उसको बढ़ाना चाहिए गेंदबाजों को। ये पिच मेरे ख्याल से बॉलिंग के लिए अच्छी है, अगर अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डालेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बीच फुल टॉस गेंद, बहुत ही खराब लाइन और बेहतरीन स्ट्रोक, स्ट्रोक स्वीप किया है, गेंद जा रही है मिडिल क्षेत्र बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। सभी खिलाड़ी यहां पर दर्शक बनते रह गए, बेहतरीन टाइमिंग, जबरदस्त स्ट्रोक, कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया बल्लेबाज राजाक ने। 12 पर अगली गेंद, इस बार खेल दिया गेंद को लॉन्ग लेग क्षेत्र में, सीमा राजा के बाहर 4 रन, बहुत ही खराब फील्डिंग, यहाँ पर 1 रन होना था, वहां पर 4 रन दे बैठे, बहुत ही रात हुए बॉलर ने प्लीज। शाइबुर शॉर्ट पिच गेम में से कॉर्नर बॉल की चांस, मगर गेंदबाज से थोड़ी सी दूर, 9 रन लेफ्ट और इसमें पहले करिया में सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और एक बार फिर गेंद गई हवाई अड्डा पे। और इस बार डाउन द लेग साइड, अंपायर का मानना व्हाइट बॉल का इशारा, दूरी जाने वाले अंपायर है, दूरी अंपायर के पास दूर से मैसेज का अंपायरिंग करने का एक्सपीरियंस है और अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं इस पहली नाइट मैच में।
इस पर नोबल की बॉल मिलेगा चौका पांच रन एक तक एक और यहाँ पर मिस की वजह से अतिरिक्त जहाँ पर खून के लिए उठाया है पारिया है पूरी आगे घर कर रहा और एक बार फिर गेंद गई हवाई यात्रा पे हवाई चलान लगाने में माहिर है कुंटू एक बार फिर मारने की कोशिश हवा में चलान लगाने की कोशिश मगर इस बार चूके बढ़िया वापसी चालाक है गेंदबाज इस बार गति में परिवर्तन स्लो बॉल से बीटिंग कराया कुंटू को कुंटू एक बार फिर अंदूरी ने किनारा अंपायर का उंगली आसमान पे मौसम अब मौसम को बदल दीजिए कुछ इस इस मैच में जीत हासिल करने के लिए आसान के जोड़े उठा करके गेंद हवा में नीचे किनारे मौजूद वापस पवेलियन जाना पड़ेगा हालांकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की बहुत ही खराब कीपिंग आसान सा कैच था लेकिन अपनी एक रन चुरा लिया रन बचा हुआ इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंच गई है 51 पर और 7 रन की जरूरत 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत क्लब को यह मैच काफी रोमांचक फ्री में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है लगभग 8,000 पीपल डीपीएल प्रीमियर लीग का मजा लेते हुए महरूम अब्दुल मतीन ग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजित किया है व्यवस्था के